तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से कमाल के टॉपिक लेके आ चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है, आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो रहता है, जो आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है VidIQ, इसमें आप आईडी कैसे खोल सकते हैं, आप इसमें आईडी कैसे बना सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 2 से 3 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, वीडियो में पहली बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गेट स्टार पर चले जाना है, फॉर फ्री पर, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, उसके ऊपर ये वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, लेट गो वाले ऑप्शन में। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है, बिजनेस प्रमोट, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, मोनेटाइजेशन से माई चैनल। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में फिर से क्लिक कर देना है। मैं जिस तरह से बताऊंगा आपको उसी तरह से करना, वो चैनल बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर योर नेम पूछेगा, अपना नाम डाल देना, ठीक है। और ये थोड़ा ज़रूरी है करना ये प्रोसेस, तब आपका चैनल जो क्रिएट हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो 1 महीने से 1 से 3 महीना 4 से 1 साल इतना। तो आपको जब नया चैनल बनाइएगा तो आपको फर्स्ट वाला ही चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको फर्स्ट वाला ही चूज़ कर देना है अबाउट यूट्यूब वाले ऑप्शन में, ठीक है। इसमें चूज़ करने के बाद फिर से आपको फुल टाइम क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। फुल टाइम क्रिएट वाले ऑप्शन है 2 नंबर वाले ऑप्शन में। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप उसी तरह से करते जाइए, आपका ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको फिर से फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करिएगा, थोड़ा सा कुछ आएगा यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करते रहना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप साइन इन कर सकते हैं, इसमें क्लिक करिएगा, इसमें क्लिक करने का, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जितना जीमेल आपको सब यहाँ पर शो हो जाएगा। अब जो जीमेल में क्लिक करिएगा आपको वो इंटरफेस लॉगिन करेगा, ठीक है। तो मैं क्लिक कर दिया हूँ, और थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए मैं जीमेल थोड़ा हाइड करके रखा हूँगा। तो उसके बाद देख सकते हैं मेरा आईडी जो है VidIQ में बन चुका है, मेरा सारा वीडियो यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है। तो आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हो किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।